हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं सुल्तान फिर से एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत करता हूं और मेरे साथ में है बाबू भाई। वो हेरा फेरी वाले बाबू भाई नहीं है। अच्छा, हमको सिखा रहा है। ये ओरिजिनल वाले बाबू भाई है। बाबू भाई हाई कर दो सब दोस्तों को। हेलो, आप बाबू भाई भी हाई कर दिए। हम लोग किसी काम से आए थे, वो काम ना होने के कारण तो हम लोग सोचा कि चलो इधर ही घूम लेंगे। तो बाबू भी बोले चलो जाएंगे, घूम के आ जाएंगे। तो इसी के लिए हम लोग आ गए ओशन सागर की तरफ। तो अभी अभी हम लोग ओशन सागर के पास ही हैं और आप देख सकते हैं पूरा ओशन सागर। इधर ही ओशन सागर के पास, जिसे टाइम बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ही है। मगर हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है, जो कि हम लोग जाके अंदर का आपको दिखा सकते नजारा। फिर कभी दिखाएंगे, कभी और किसी ब्लॉक में दिखाऊंगा, क्योंकि अभी थोड़ा ड्यूटी भी जाना है। तो इसी वजह से हम लोग को थोड़ा कम समय था, तो हम लोग सोचा कि इधर ही घूम लेंगे बाहर। अगर किस टाइम समय ज्यादा रहेगा तो हम लोग जरूर जाके अंदर का दिखाऊंगा कैसा रहता है ओशन सागर के अंदर। अभी हमें बार बार ही घूम के चले जाएंगे। क्या बोलते हैं बाबा भाई? अब बाबा भी हाँ बोलती है। हवा चल रहा है मर की, क्या हवा चल रहा है यार, जबरदस्त हवा है, मस्त लग रहा है। इधर खटिया लेके आ जाओ, इधर ही सो जाओ खटिया डाल के। अभी बोला हूँ छोटा है वो, फुटपाथ सोने वाले सोते हैं ना हम लोग, क्या फुटपाथ ऐसे सो सकेंगे थोड़ी? वो देखो ये है ओशन सागर, ओशन सागर का जो स्टैच्यू। जब न्यूज में इसमें देखे होंगे, ये लाइटिंग सूर्य से किरण की वजह से दिख नहीं रहा, बट वही है ओशन सागर। ठीक है, ओशन सागर। और ये रहा हमारे देश का फ्लैग और ये रहा ओशन सागर का स्टैच्यू। और इसको पूरा बोलते हैं टाइम बोर्ड, और ओशन सागर के नाम से भी जाना जाता है और टाइम बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है ये जगह। और ज्यादातर कपल्स के लिए, अभी फिलहाल तो नहीं है, लॉकडाउन के बाद से थोड़ा बहुत इधर रूल्स थोड़ा स्ट्रिक्टली होने की वजह से थोड़ा कम है। अभी मिलेंगे उस साइड में मिलेंगे, इधर एनटीआर गार्डन है, लुम्बिनी पार्क इधर है, उस साइड मिलेंगे, पर इस साइड कम हो गया। चलो उस साइड भी जाकर आप लोग को दिखाता हूँ किस तरह है उस साइड का नजारा। इधर से थोड़ा उधर ये है, पॉल्यूशन कम है थोड़ा। क्या है इतना बड़ा बॉटल? ये तो पानी, पानी का बॉटल है, कैसा बॉटल है यार? ये देखो बॉटल, कोल्ड ड्रिंक का बॉटल है। अच्छा आइडिया है, डस्टबिन है ये, अच्छा आइडिया लगा है यार, जबरदस्त बॉटल है। बाबा भाई घर को ले जाओ बॉटल, अच्छा आइडिया लगा यार, डस्टबिन है, डस्टबिन अच्छा है। ये टूरिस्ट प्लेस में सर रहना चाहिए बॉटल का, जैसा बॉटल हुआ, गुट्टी हुआ, सब टूरिस्ट प्लेस में क्या देखने में लुक लाइट अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा भी है यार। हैदराबाद बहुत पहले से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया, जब हम लोग जब आए थे तब उतना ये नहीं था, अभी बहुत ज़्यादा अच्छा कर दिया साइट का, ये भी अच्छा हाइट भी कर दिया है, देख सकते हो आप सब। अभी हम लोग चलते 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 पूरा उधर से उस साइड से, उस साइड से आते 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 हम लोग यहाँ तक आ गए। और ये रहा हमारा एनटीआर गार्डन, इधर ये रहा एनटीआर गार्डन, और वो रहा लुम्बिनी पार्क, और ये रहा हमारा ओशन सागर। कपल तुम बोला था ना ये कपल प्लेस है, पूरा शाम होते ही लग जाते यहाँ कपल। अभी तो हम लोग कितना फेस करके आ गए, अभी बहुत सारे कपल खड़े हुए हैं, बट लॉकडाउन के बाद से तो बहुत कम है कपल्स यहाँ, क्योंकि कोरोना की वजह से थोड़ा आते नहीं है, मगर बहुत ज्यादा आते थे पहले। थके भी शायद, कपल बहुत स्लो चल रहे हैं, लग रहा है उनका एनर्जी पूरा वीक हो गया है। दोस्तों तो यहीं पे हम लोग को ब्लॉग समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग को टाइम हो रहा है ड्यूटी जाने के लिए, तो काफी समय हो रहा है। अभी हम लोग को ट्रेवलिंग में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा, तो इसी के लिए ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना। मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।